अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन गर्ल्स के लिए जो अपने आप को ग्रूम करना चाहती हैं। ग्रूम इस सेंस में आता है कि आप अपनी केयर करें और अच्छी और डिसेंट लुक में लगे। सबसे पहले है जी ड्रेसिंग सेंस, हमेशा ड्रेसिंग वाइजली करें अकॉर्डिंग टू योर फेस टोन कि आपको कैसा कलर सूट करे वो वाला ड्रेस वेयर करें। दीज डेज लॉन्ग शर्ट्स आर सो इन फैशन, इनको वेयर करें, ये बहुत ही डिसेंट लुक देता है। अगर आपको भी क्यूट गर्ली लुक चाहिए तो आप ऐसे लूज कुर्ता विद जीन्स जो हैं वो वेयर करें, बहुत ही क्यूट लुक देती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। उसके बाद है जी मिनिमल एंड क्यूट हेयर एक्सेसरीज़, ये आपके पास जो है वो इसकी अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए। आप यहाँ पे कैचेस देख रहे हैं, पर्ल्स वाले भी ले सकते हैं आप और भी डिफरेंट ले सकते हैं। और ये जैसे स्क्रंचीज और बॉबी पिन्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको ये बहुत अच्छी जो है वो लुक दे रहे होते हैं। आप यहाँ हेयर बॉस देख रही हैं, ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं वेयर किए हुए। हेयर कट भी आपकी पर्सनैलिटी के बहुत ही चेंज कर देता है। आप सिंपल ट्रिमिंग करवाएं और फ्रंट से आप इस तरह से बैंग्स करवा सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आपके लिए कि आप किस तरह की हेयर कट में ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। साथ साथ आप हेयर कलर देख रही हैं कि वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल इन्हेंस कर देता है। आजकल ब्लैक एश ब्राउन कलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं और ये बहुत अच्छी और डिसेंट लुक में जो है वो लगता है। मिनिमल ज्वेलरी से मुराद है कि जी आप बिल्कुल हल्की फुल्की सी ज्वेलरी कैरी करें, जो ऑफिस गोइंग या टीचर्स हैं वो तो ऐसी कलेक्शन जो है वो ज़रूर रखें। क्यूट क्यूट सी ज्वेलरीज अपने पास रखें, जैसे रिंग्स हो गई, वॉचेस हो गई, ब्रेसलेट्स हो गई, और आप ये क्यूट क्यूट से इयररिंग्स भी ज़रूर वेयर किया करें और डिफरेंट वेयर किया करें, तो ये बहुत ही डिसेंट जो है वो लुक आपको देगा। न्यूड नेल पेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं, आपकी हैंड्स बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है और ब्राइटन अप से हो जाती हैं। इस तरह से न्यूड पेंट्स लें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इसकी कलेक्शन जो है वो आपके पास होनी चाहिए और डिफरेंट जो है वो आप चेंज कर लगाते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी लुक देगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी स्प्रे या मिस्ट, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आप बिल्कुल सॉफ्ट सी सेंट लें जो आपको फीलिंग्स अच्छी दे और आप ये अपनी लेयर पॉइंट्स पर ज़रूर लगाएं, और ऐसे जो ऐसी हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इस तरह से जो है आप रिफिल मिनी परफ्यूम्स जो हैं वो आप ले सकती हैं, परफ्यूम बॉटल्स जो हैं कह सकते हैं, या आप दराज से ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है कि आप कैरी कर सकते हैं अपनी फेवरेट जो परफ्यूम होगी। मिनिमल नो मेकअप लुक, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो ऐसा मेकअप करें कि नो मेकअप लुक लगे। इसके लिए आप बेबी क्रीम यूज़ कर सकती हैं, आप इसमें जो है लिप बाम यूज़ कर सकती हैं, मुख्तलिफ लिप ऑयल यूज़ कर सकती हैं, या आप टिंट यूज़ कर सकती हैं जो आपको सूट भी कर रहा हो और जो आपको अच्छी ग्लोइंग स्किन दे। इसके साथ जो है आप लाइनर, मस्कारा या कर्लर जो है वो हल्का सा ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर एक हैक शेयर करूँगी कि आप सबसे पहले अपने लैशेस को कर्ल करें और आप हल्का हल्का सा जो है वो वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली है वो लगाएं, तो इससे बहुत ही प्यारी ग्लॉसी सी आईज जो है वो आपको मिलेंगी। हैंड्स एंड फीट्स का बहुत ख्याल रखें क्योंकि फेस के बाद जो है वो हैंड्स एंड फीट्स की केयर बहुत ज़रूरी होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो ये शो हो रहे होते हैं, इसलिए आप मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करें। जैसे आप विंटर हैं तो विंटर के अलावा भी जो है वो आपको मॉइस्चराइज़र्स हैंड्स एंड फीट के लिए ज़रूर यूज़ किया करें। ट्रेंडी शूज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, आप जो हैं वो सैंडल्स ले सकती हैं, आप स्लीपर्स ऐसे ले सकती हैं स्लाइडर्स की तरह से। बहुत अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि जितने शूज़ जो हैं वो कम्फर्टेबल होंगे, जो आपने जूता पहना हुआ होगा, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ट्रेंडी हैंडबैग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बैग्स आप वाइट या कलर ब्लैक हो या कोई ऐसा न्यूड कलर ज़रूर रखें कि जो आपके हर ड्रेस के साथ जो है वो चल जाए, और ये बहुत अच्छी जो है वो आपकी लुक देगा। आपको जो ऑफिस गोइंग या टीचर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप अपना हैंड बैग रखें जिसमें आप हर चीज़ जो है आप अपनी ज़रूरत की इजीली एडजस्ट कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।